मैं आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब देख रहे हैं कि आज हम लोग जा रहे हैं कैबरने बीच पे, और बहुत ही ज़बरदस्ती अमेजिंग सी लोकेशन है, और आज वहाँ विज़िट करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें लग चुकी है बहुत ज़्यादा भूख, और घर से हम निकल आए हैं। वहाँ पर जाने से पहले सोचा कि हम लोग क्यों ना कुछ KFC से जिंगर वगैरह ले लें, और हम लोग क्योंकि अपनी भूख मिटाएंगे तो ही वहाँ पर जाकर इंजॉय कर पाएंगे। और मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग जाने से पहले ही जो हमें खाना होता है वो फ़ौरन खा पी के जाते हैं, ताकि हम वहाँ पर फुल टाइम इंजॉय कर सकें। तो ऐसा ही किया इस दफ़ा। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमने एक डील ऑर्डर की है और इसमें हमने जिंगर बर्गर मंगवाए हैं। जी, तो हम घर से निकल आए हैं और रास्ते में मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सैर हो सके। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ एस्टोनिया, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे ड्राइव करना पाकिस्तान की नस्बत बहुत ईजी है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जिस तरह से एक ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो वहाँ मुश्किल होता है। बल्कि यहाँ मुझे लगता है कि ड्राइव करना बहुत ईजी है, लेकिन मैंने यहाँ अभी तक ड्राइव नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह जल्द मैं वो भी करूँगी। और मुझे यहाँ पे यकीनन ड्राइव करके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ग्रीनरी और ऐसे रोड्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुअत्तर, कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। जब से आई हूँ बस अंदर ही बंद थी, और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने हमें यहाँ की सैर नहीं करवाई, तो आज हम जा रहे हैं जनाब। तो आप लोग देखिएगा हमारे साथ जनाब। ये है लोगों के समर हाउसेस, और यहाँ पर लोग स्टे करते हैं और अपनी वेकेशंस जो है वो अच्छे से गुजारते हैं। तो बहुत अच्छी जगह लगी मुझे ये, और मैं आपको इसके बारे में मज़ीद थोड़ा सा वॉक करके बताती हूँ। वॉक करते हुए दिखाऊँ कि मैं कितनी खूबसूरत जगह पे हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं, जहाँ पर मैं भी आपको मज़ीद फ्रंट कैम से दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखिए जी, कितनी खूबसूरत इन लोगों के घरों की एंट्रेंस, फिर उसके बाद ये बड़े बड़े स्टोन्स पड़े हुए हैं, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड पे बीच है। और घर देखें कितने खूबसूरत हैं, बहुत बहुत ही प्यारी लोकेशन है जनाब। और मैं आपको साथ साथ वॉक कर रही हूँ, साथ साथ मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपने हमें एस्टोनिया जाकर दिखाया नहीं है। तो यहाँ पे वाकता बहुत बहुत खूबसूरत जगह हैं, ऐसी ऐसी लोकेशन हैं यकीन कीजिए कि अगर आप किसी पॉइंट पे नहीं भी जाते हैं तो आपका दिल चाहेगा कि आप ऐसी ही जगहों पर अपना बहुत अच्छा वक्त गुजारें। और आज जनाब वेदर बहुत अच्छा है, आज टेम्परेचर जो है वो 32 है, सो दैट्स वाई आज हम इतना रिलैक्स घूम रहे हैं। अदरवाइज़ जब सर्दी होती है तो फिर थोड़ा सा जैकेट्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत घर बना हुआ है जनाब, यहाँ पर देखें बीच के पास अपना वक्त यहाँ पर गुजारते हैं इन हाउसेज में। तो आई डोंट नो कि ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है या फिर ये सिर्फ स्टे करते हैं, इसके बारे में मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं ये घर, कितने प्यारे प्यारे से हैं जनाब। ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत घर बना हुआ है। एक और अच्छा, बीच में मैं मतलब क्योंकि कुछ जगहें थोड़ी सी वो होता है कि यार आप किसी की प्राइवेसी ना ख़राब करो, सो दैट्स वाई मैं इतना ज़्यादा आपको जूम करके नहीं दिखा रही, लेकिन बीच में लोगों की गाड़ियां हैं और यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी डक्स वगैरह और इस तरह से रखी हुई हैं, बहुत मज़े का इन्होंने एक वो बनाया हुआ है। और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जब यहाँ पर आते हैं आप लोग बीच पर, तो ये देखें जी एक मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। ये देखें जी, यहाँ से आपको पीछे नज़र आ रहा होगा बीच। और मज़े की बात यह है कि जब यहाँ पर आते हैं और आप कुकिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पर ख़ुद के लिए खाना तैयार करते हैं, यहाँ पर ख़ुद कुकिंग करके, तो यहाँ पर एक मेरे पीछे पॉइंट बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है जनाब, क्या खूबसूरत सीन है कि सामने बीच और साथ में बादल, चेक करो ऊपर कितना ज़बरदस्त है। और इसके बाद यहाँ पर ये नीचे ट्रैक है जाने के लिए, और साथ ही साथ ये देखो जनाब कि जब आप डिनर वगैरह यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं ये इस तरह से। अभी ये शायद लॉक है, लॉक है,
ये पॉइंट बना हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो जनाब थोड़ा सा वॉक करते हुए आपको मज़ीद दिखाते हैं, क्योंकि एक दो घर देखकर तो आपको आइडिया नहीं होगा। ये देखें जी, इस तरह से कुछ मेरे इस साइड पे कितने खूबसूरत बने हुए हैं जनाब, बड़ी ज़बरदस्त सी जगह है। एक ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह है जनाब, फुल टाइम आप यहाँ आके इंजॉय कर सकते हैं। ये देखो जी, इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पर साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं और साथ ही साथ में बीच की एक खूबसूरत लोकेशन पे। यहाँ पर आपको ये बुक करवाना पड़ती है, ये इतनी खूबसूरत जगह है, ये आपको बुक करवाना पड़ती है, बहुत मज़ा आ रहा है वॉक करते हुए। और मज़े की बात ये है कि आज बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, इवन यहाँ पर बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही। मुझे घर बहुत पसंद आया, वाइट कलर का और अंदर इतने जबरदस्त किस्म के फ्लावर्स लगे हुए, तो प्रॉपर मैं जूम करके नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन ये कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ही मज़े की है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यकीनन इन्होंने ये हाउसेस जो हैं ये बुक करवाए होंगे, तो कैसा लग रहा है आपको जनाब ये खूबसूरत सा रास्ता? अभी आपको ऐसे एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन जल्दी आपको करीब से जाकर दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत लोकेशन है, फिर आपको आइडिया होगा। ये प्रॉपर सामने एक बार बना हुआ है जो कि ड्रिंक करने के लिए यहाँ पे लोगों के, और वहाँ पे स्विमिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग। कारिम काफ़ी एक्साइटेड हो रही है, काफ़ी खुश हो रही है पर, और राइड अपनी खेल में शुरू हो गया। करीम चलो जाओ बाबा के साथ, जाओ हैंडी पकड़ के राइड, जाओ बाबा के पास।
ये देखें जी बीच पे, साथ साथ एंजॉय करो, साथ साथ बच्चों के लिए कुछ अपना थोड़े बहुत वो स्लाइड, अच्छा हाँ स्लाइड है, चलो हाँ है। पर हमारे पीछे पूरा इनका बाहर बना हुआ है और यहाँ पर मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है जनाब। ये देखें जी मेरे पीछे हैं जी लोगों की प्राइवेट बोट्स, मैं अभी आपको दिखाती हूँ सारा। ये सभी इनकी प्राइवेट बोट्स हैं, यहाँ से तो है ना बहुत पीसफुल जगह और बहुत सुकून मिला यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है और यकीनन आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा है क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ बस मैं अंदर ही बंद थी और आज बाहर निकलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं और स्पेशली यहाँ पे सर्दी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मोस्टली यहाँ पर आपको यानी कि सर्दी ही मिलती है, बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ पर आज का दिन जो है वो इतना सनी डे है और इतना मज़े का दिन है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो, आज का ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने भी मेरे साथ साथ बहुत इन्जॉय किया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मावरा को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।